तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्बैट सेंटर में बहुत सारे मैच हार जाते हैं, यहाँ तक कि वो जो ओपोनेंट होता है वो उनसे लो सेफ का होता है या फिर उनके पोकेमॉन्स उतने अच्छे नहीं होते, फिर भी हार जाते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि जैसे आप कॉम्बैट सेंटर में अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते या फिर आप विक्टोरी भी कर सकते हो। तो ये जो विक्टोरी है और जो अच्छा परफॉर्मेंस है, तो अगर इसके ऊपर मैं कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा कि आप जाओ जो अच्छा बैटल है वो ये उससे भी अच्छा है विक्टोरी से, क्योंकि एक अच्छा बैटल विक्टोरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और उसके साथ मज़ा भी बहुत आता है। तो अच्छा बैटल हमेशा अच्छा ही होता है विक्टोरी से ज़्यादा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अच्छा बैटल किसी को देख लेना, और कोई भी ऐसा मत सोचिए कि ईजिली आप जीत जाओगे, उससे विक्टोरी ले लोगे। और गाइस इस पे बात कर लिए, अब बात करूँगा कि आपके लिए जो पॉइंट नंबर वन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मेक ए टीम विथ अ कूल माइंड। ये जो पॉइंट नंबर वन है, तो टीम कैसे आप बना सकते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे बनाना है। आप तीन से चार, आप चार ही रखो कोई भी पोकेमोन, मतलब अटैकर या फिर एसपी अटैकर जो कोई भी हो रख सकते हो। जैसा कि मैंने रखा है एक अटैकर और बाकी तीन रखा है एसपी अटैकर, और उसी के साथ साथ एक डिफेंसिव रखा है, और उसी के साथ साथ एक सिनिंजा रखा है जो मेरे बैकअप में हेल्प करता है। तो सिनिंजा यूज़ आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। सिनिंजा लो वीआईपी या फिर वीआईपी जो हाई वीआईपी होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो सिनिंजा मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा पोकेमॉन लेके कॉम्बैट, ये जो पैराडाइज है इससे, तो इसलिए मैंने तब भी रखा है। आप भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा बात नहीं है बुरा। तो सिनिंजा को अंडरकट देकर आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और मैंने रखा है यहाँ पर दो तीन डिफेंसिव पोकेमॉन्स, तो आप बोलोगे दो तीन कहाँ है भाई, तो दो तीन के मतलब है ये जो मेरा लुगिया है आप देख सकते हो, बोल्ड नेचर है और उसका बेस्ट स्टैट्स देख सकते हो, डिफेंस एंड स्पीड डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है बाकी सब स्टैट्स के मुकाबले। तो आपको भी यही करना है, दो से तीन आपको रखना है डिफेंसिव पोकेमॉन। सिर्फ अटैकर से काम नहीं होगा भाई, अटैकर कितने दिन टिक पाएंगे, कितने देर। अगर मान लीजिए आपने यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो लुगिया मत लीजिए, और आपको वो एक स्टेटस मूव दे दिया है और आपके पास सिर्फ रिकवर है। स्टेटस मूव मीन्स ये जो टॉक्सिक विलो विस्प ये जो होते हैं ना, तो दे दिया, आप कैसे रिकवर करोगे। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा आपको विनोसॉर को रखने के लिए। तो विनोसॉर ही क्यों, क्योंकि विनोसॉर सबसे ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन होता है लो बी आई पी के लिए, और मानो या ना मानो अगर आप हाई बी आई पी या फिर जो भी ट्रेनर है जो प्रो प्लेयर्स है, तो उनको अगर पूछोगे कि नाओ मतलब इस गेम में सबसे अच्छा पोकेमॉन कौन है, तो मैं बोलूँगा तो सभी बोलेंगे विनोसॉर, क्योंकि विनोसॉर ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो शैडो म्यूटू या फिर कोई भी फेयरी टाइप पोकेमॉन का सबसे ज़्यादा अच्छा टैक्कर दे सकता है। तो आरसीएस वो तो वी आई पी पोकेमॉन है, मैं आपको नन वी आई पी पोकेमॉन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो एक पॉइजन टाइप है इसलिए बहुत ही कम डैमेज लेता है, और इसका डिफेंस एंड एसपी डिफेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। प्रेफर करूँगा आप इसको मस्ट ऐड करिए, और आप मूव्स भी रख सकते हैं आपका जो भी मर्जी है, साइननेस अगर आपके पास है रखो, या फिर स्लिप भी रख सकते हो, लिस्ट सीड रखो, लिस्ट सीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव है। अरोमा थेरेपी अगर आपके पास है तो रखो। अरोमा थेरेपी का काम है कि मान लीजिए आपके कोई भी पोकेमॉन मैनेजर से बोला कि रिकवर है आपके पास और आपके पोकेमॉन को टॉक्सिक लग गया है, तो वो नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास स्लिप नहीं है। तो अरोमा थेरेपी यूज़ करने के बाद आपके जो पोकेमॉन का टॉक्सिक है ना वो चला जाएगा। और रोड रखा है मैंने बैकअप के लिए, अगर मान लीजिए उसके पोकेमॉन का कोई भी मतलब स्टैट्स का बल्क अप 6 कर लिया है 5 तो अटैक नहीं किया है, तो अगर थोड़ा भी बच जाता है तो भी वो चेंज हो जाएगा और मेरा ही फ़ायदा होगा। तो आप इन चार मूव को रख सकते हो। तो मस्ट ऐड करिए विनोसॉर को, मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐड कर देना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए नेचर मैं आपको बोल रहा हूँ बल्ड बोल्ड या फिर आप रख सकते हो काम। तो बोल्ड और काम क्यों, क्योंकि आपको ये डिफेंसिव चाहिए। तो कोई भी मूव मैंने नहीं रखा कि हिट करने वाला है, तो ये सब स्टेटस मूव ही है, तो इसलिए मैंने काम रखा है क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता है, इसके स्पीड डिफेंस हाई है, इसलिए आप चाहो तो बोल्ड भी रख सकते हो। टिमिट विमिट नहीं चाहिए आपको। तो पहला है विनोसॉर, और डिफेंस स्किप के मैंने और एक बताया सिनिंजा। तो ये दोनों पोकेमॉन को आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी अच्छा पोकेमॉन है, मतलब एसएसआर जो मतलब अल्ट्रा लेजेंडरी होता है लुगिया जैसे कि, और ग्राउडॉन पालकिया ये सब अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो टीम में, कोई भी दूसरे पोकेमॉन को टीम से निकाल कर। लेकिन विनोसॉर को मस्ट ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो दिन है वो हो रहे हैं और शैडो म्यूटू को डिफीट करने के लिए आपको विनोसॉर लगेगा ही लगेगा। तो और अगर आपके समझ नहीं आ रहा कि बाकी चार पांच पोकेमॉन को आप मतलब कौन रखें, तो
आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और भी कुछ वीडियो मेरे पास है जो मैंने किया था अपलोड, तो उनका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा आपको, तो आई बटन में प्लीज़ चेक कर लीजिए। उन दो वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बेस्ट पोकेमॉन्स जो आपके लिए सिल्वर लीग या फिर गोल्ड लीग के लिए अच्छे हैं, और एक भी बताया था कि मास्टर लीग के लिए अच्छे भी हैं, मतलब 70+ मेगा के, तो वो देख सकते हो आप। अगर आपको फिर से भी पार्ट टू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं बेझिझक मना, मतलब कोई भी इशू नहीं होगा, मैं जरूर से अनु बना दूंगा। और एक बात कि मेरा मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ प्रॉब्लम्स भी होगा, तो प्लीज़ हैंडल कर लेना उनको, और सॉरी अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा वहाँ पे। तो गाइस ये था फर्स्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टिप को अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका 50% चांस होगा जो मैच आप हारते हो वो आप जीत सकते हो। तो सेकंड नंबर टिप है कि आपके यहाँ पे एक बैटल में दिखा रहा हूँ और बैटल को शो करूँगा कि आपके कौन सा ज़्यादा गलती आप करते हो और उससे कैसे आप बच सकते हो। तो टिप नंबर टू है कि डोंट डू अटैक फर्स्ट, तो इससे मेरा मतलब क्या है, तो आप इसको अच्छे से देखो कि क्या होता है। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट बल्क अप किया और उसने जो किया तो वो किया था कि अर्थक्वेक, तो एक मूर्खता थी, तो बहुत सारे लोग ये नहीं थे और उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा और अगर मैं एक अर्थक्वेक दूँ तो वो मर सकता था, लेकिन मैंने एक बल्क अप किया क्योंकि मुझे बैकअप के लिए मिल जाएगा। अगर उसने कोई भी ऐसा पोकेमॉन मेरे सामने खड़ा कर दिया जो एक अटैक में नहीं मरेगा बिना बल्क अप के, तो मेरे पास बेनिफिट होगा कि मैं बल्क अप एक मेरे पास हो गया है और मैं एक ही अटैक में उसको मार गिर रहा हूँ। तो आपको ये बात पे ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास है ग्राउडन जो लो ब्रेक का है और ओपोनेंट के पास है एक बहुत ही बड़ा ग्राउडन जो कि हाई ब्रेक का है, तो अगर वो थोड़ा नुब्रापंती करेगा तो मतलब जैसा कि उसने किया था अर्थक्वेक दिया था पहले, तो अगर आप उस थोड़ा सा भी मतलब मान लीजिए कि आपका ब्रेक है ब्लू और ओपोनेंट का है ब्लू प्लस टू, ठीक है, तो फर्स्ट वो अटैक करेगा अगर दोनों का अदमंत नेचर है तो मान लीजिए उसने अटैक किया और आपने बल्क अप किया, लेकिन अगर आपने भी वही सेम अटैक किया तो वो आपको इजीली मार देगा। आपने मान लीजिए उसने अटैक किया आपके ऊपर तो और आपका आधा HP गया और आपने बल्क अप किया था तो आपने फिर से आप क्या करेंगे स्लिप कर देंगे, तो फिर से स्लिप होने के बाद आपका रेड होके फिर से आप मतलब स्लिप हो जाएंगे, आपका HP फुल हो जाएगा, फिर से आप बल्क अप करेंगे, फिर से दो तीन बार कर लेंगे, फिर से आप स्लिप कर लेंगे, तो वो क्या करेगा वो तब भी बल्क अप करना स्टार्ट कर देगा और वो स्टार्ट करेगा तो आपको समय लगेगा और आप जल्दी से जल्दी सिक्स करके उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ड्रैगन टेल आपके पास अगर है तो प्लीज़ उसको ऐड करना ग्राउंड ऑन पे ड्रैगन टेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव रहता है, अर्थक्वेक ड्रैगन टेल एसोडास या फिर बल्क अप और उसके साथ साथ स्लिप। तो टिप नंबर टू हमारा गया, तो अब टिप नंबर थ्री पे बात करते हैं। तो टिप नंबर थ्री का मैंने नाम रखा है डोंट बी सो फास्ट, तो इससे मेरा मतलब क्या है, तो आप इस बैटल को अच्छे से देखो तो उसके बाद मैं बताऊंगा, तो देखना। तो इसमें क्या था तो आपको बता रहा हूँ कि क्या था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो करते हैं ये गलती कि अगर मान लीजिए ओपोनेंट के पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो मतलब उसने चेंज किया है अभी और आपने दिया है जो रेड करके सो रहा है उस अटैक को दिया है और वो भी अटैक देने के बाद उसका आधे से ज़्यादा HP मतलब गया मतलब येलो तक हो गया है लेकिन क्रिटिकल हिट भी नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे वो रेड अटैक जो दिखा रहा है वो उस पर ही देंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा पोकेमॉन हुआ वो तो वो ज़रूर से ज़रूर उसको चेंज करेगा और इस चेंज करने का मौके का आप फ़ायदा तो उठा सकते हो। तो मौके का फ़ायदा इसके मेरा मतलब है कि अगर मान उसको तो पता ही होगा कि आपके ग्राउंडन के पास अर्थक्वेक है तो और वो क्या करेगा कोई भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को सामने खड़ा कर देगा, लुगिया हो रैकोजा हो जो कोई भी हो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को जिसको तो हिट नहीं करेगा अर्थक्वेक, और आप अगर फायर पंच भी देंगे तो थोड़ा सा भी HP बचेगा मतलब थोड़ा सा भी HP लो होगा उस पोकेमॉन का, तो थोड़ा सा अगर HP लो होता है तो आपके लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि कई कई मैच में होता है कि थोड़े से HP के लिए कोई प्लेयर हार जाता है और कोई प्लेयर जीत जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इस जो बैटल में किया है तो वो तो इजी था मतलब नहीं भी करता तो भी चलता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब हार्ड मैच आए तो आपको तो ये ध्यान में रखना ही रखना है, तो हमेशा ट्राई कीजिए
कोई भी मूव्स करने से पहले दिमाग से ठंडा होके सोचिए और फिर करिए। आपको 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा है पॉकेट फैंटेसी, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड एक एक बार आपको लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा उतना ज़्यादा टाइम। अगर यहीं तक का वीडियो, ये जो 3 टिप्स मैंने बताया आपको, तो ये अगर आपने फॉलो किया तो 100% आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे हार्ड बैटल्स में। और आप देखना कि जो बैटल्स आप हारते थे आप जीतने लगेंगे या फिर अच्छे परफॉर्मेंस देने लगेंगे। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और 1000 सब्सक्राइबर्स प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए। और गाइस, अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहती हैं, तो अगर इस वीडियो में 150 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं श्योरी बना दूंगा इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 बनाने के लिए भी मुझे न्यू बैटल्स करना पड़ेगा, और उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मैंने क्यों किया, अर्न क्यों किया, और आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स भी बता।